दुर्ग में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने 5 दिवसीय कलमबंद काम बंद हड़ताल के अंतिम दिन रैली निकाली, आक्रोश जताते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंच सौंपा ज्ञापन। अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से चली आ रही छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल के 5वें व अंतिम दिन फेडरेशन के पदाधिकारी व सदस्यों ने दुर्ग के धरना स्थल हिंदी भवन के सामने से भव्य रैली निकाली। यह रैली पटेल चौक होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और नारेबाजी भी की और केंद्र के समान डीए व गृह भाड़ा दिए जाने की मांग की। इस दौरान कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्यों ने साफ कर दिया कि जल्द ही अगर प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों पर अमल नहीं किया तो वे अगस्त क्रांति की शुरुआत करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।